हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा, मैं क्यू एक्सवाइजेड चैनल वा का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कुकर जिसको आप पानी गर्म कर सकते हो, एक बॉईल कर सकते हो, छोटा मोटा चीज़ गर्म करके खा सकते हो। ये इलेक्ट्रिक कुकर बहुत छोटा और कम बिजली कंज्यूम करने वाली है जिसको आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। दोस्तों इस कुकर को बनाना बहुत आसान है, आप घर का बड़ी वेस्ट मटेरियल से 20 या 30 रुपये में बन के आराम से तैयार हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना बिना टाइम वेस्ट किए, चले वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हमको चाहिए होगा कि टिन का कंटेनर जिसको हम ऊपर से काट कर इन साइड में काट लेंगे हीटिंग फिक्स करने के लिए। दोस्तों उसके बाद चाहिए होगा हमको एक हीटिंग जो कि आपको इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग शॉप पे आराम से मिल जाएगा, आपको नया नहीं खरीदना है, आपको पुराना ही लेकर आ जाना है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैं कंटेनर में इसीलिए कट लगाया था क्योंकि इसमें हीटिंग फंस सकूँ, इसके ऊपर ग्लास आराम से रह सके जो कि पानी गर्म करने में काम आएगा। उसके बाद हम हीटिंग को निकाल के इसके अंदर एलिमेंट फिट करेंगे इस साइड वाले हिस्से में। हीट करने के लिए मैं सोल्डिंग आयरन का 3500 वाट का एलिमेंट यूज कर रहा हूँ जो कि आपको 10 या 15 रुपये में इलेक्ट्रिक शॉप पर आराम से मिल जाएगा। एलिमेंट को फिक्स करने के लिए मैं पहले एलिमेंट को लगा के उसको एलिमेंट के जस्ट ऊपर एक मार्किंग करके यहाँ पर एक होल बना दूंगा। होल करने के बाद यहाँ पर हम एक नॉट होल्ड में इसको कस लेंगे एलिमेंट को। दोस्तों ड्रिल मशीन के ऊपर हमारा चैनल में पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हम किस तरह के एलिमेंट को कस रहे हैं। एलिमेंट फिक्स होने के बाद हम जैसे पहले हीटिंग फिक्स कर रहे थे ऐसे ही फिक्स कर देंगे। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों वो एक एलिमेंट में इतना जल्दी हीट नहीं हो रहा था इसलिए मैं डबल एलिमेंट लगा दिया। इसका भी फिक्स करने का प्रोसेस सेम ही है, आप पहले वाले जैसे फिक्स किए थे इस तरह से इसको भी फिक्स कर सकते हो। आप देख सकते हो दोनों का एक एक वायर प्लस और दोनों का एक एक वायर माइनस में लगाने के बाद ये इसका कनेक्शन पूरा हो जाएगा। दोस्तों मैं एजुकेशन पर्पज के लिए ऐसे ही बना दिया, आप इसके ऊपर आपकी क्रिएटिविटी हिसाब से कवर डाल सकते हो। उसके बाद हम कुकर के ऊपर ग्लास रख के इसमें पानी गर्म करेंगे। ओ एडिटिंग वाले भैया ये क्या कर रहे हो भाई, पानी डालना है निकालना नहीं भाई। A few moments later, माफ करना दोस्तों हमारे एडिटिंग भैया का सस्तनस के कारण ये सब टेक्निकल एरर आ जाता है। उसके बाद हम पावर सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई देने के 15 मिनट के बाद ये थोड़ा गर्म हो गया है, पीने लायक गर्म हो गया है। उसके बाद 30 मिनट के बाद ये थोड़ा थोड़ा उबलने लगा है, उसमें भाप निकल रहा है। और 45 मिनट के बाद ये पूरा पूरा भयंकर तरीका से उबल रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों आपको लाइव डेमो करके दिखाया है ये कितना समय में पानी गर्म हो रहा है। मेरे पास तो टेम्परेचर मीटर नहीं है इसलिए मैं उसके ऊपर पानी डाल के दिखा रहा हूँ ये कितना गर्म है। आप देख सकते हो दोस्तों इसी टाइप से मैं इसके अंदर अंडा डाल के इसको उबाल के आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से पूरा पक गया है। मैं खा के भी टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। दोस्तों फिर आएंगे एक नई वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।